नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। समलैंगिक क्लब में हमले के बाद अमेरिका के टेक्सास में वॉलमार्ट स्टोर में गोलाबारी। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। हमलावर के पास से असॉल्ट राइफल, हैंडगन और कुछ संदिग्ध वस्तुएं हुई बरामद। सभी बंधकों को छुड़ाया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन ने अंतिम डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हासिल की जीत। बर्नी सैंडर्स को हराया। जुलाई में फिलाडेल्फिया में होगा डेमोक्रेटिक पार्टी का सम्मेलन। चीन के विरोध को नजरअंदाज करते हुए आज दलाई लामा से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात, पत्रकारों को आने की अनुमति नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द किए मशहूर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के प्रेस अधिकार। दैनिक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट पर अपने बारे में झूठी बातें लिखने का लगाया आरोप। ट्रंप ने अपने फेसबुक पेज पर अखबार को धोखेबाज और बेईमान बताया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जन्मदिन पर 550 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को किया जाएगा सम्मानित। सम्मान पाने वालों में 5 भारतीय मूल के लोग भी। कला विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है सम्मान। बांग्लादेश में निकाला गया अल्पसंख्यकों, उदारवादी ब्लॉगर और लेखकों की हत्या के खिलाफ फतवा। फतवे पर 1,00,000 से ज्यादा इमामों ने किया हस्ताक्षर। हमलों को गैर इस्लामी करार दिया। पाक ने एनएसजी की सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया और तुर्की से मांगा समर्थन। विदेश सलाहकार सरताज अजीज ने ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के विदेश मंत्री से की फोन पर बात। बिना भेदभाव के गैर एनटीपी देशों को शामिल करने पर दिया जोर। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।